हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ ऑडी A6 के बारे में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑडी A6 का रियर सस्पेंशन प्रॉब्लम फिक्स। बेसिकली इस कार में जो प्रॉब्लम है वो है सेम डे, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक जब भी ये कार पार्किंग में खड़ी रहती है तो उस कंडीशन में ये कार पीछे की साइड से बिल्कुल नीचे बैठ जाती है, यानी कि इसका सस्पेंशन जो है एयर सस्पेंशन, वहाँ से कहीं से पीछे की साइड से इसकी जो एयर है वो लीकेज हो जाती है। तो उस एयर की लीकेज को हम ट्रेस करेंगे और जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम फिक्स करेंगे। हमने रिसेंटली एक वीडियो भी अपलोड किया था जो कि था ऑडी Q7 के लिए, उस कार में भी इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम थी, यानी कि वो जो कार थी वो चारों साइड से बिल्कुल उसका सस्पेंशन बिल्कुल परफेक्टली काम नहीं कर रहा था। चाहे आप कितनी भी देर कार को स्टार्ट कीजिए लेकिन वो कार ऊपर नहीं उठती थी। तो उस कार का भी मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर दे दूंगा या फिर आपको एंड स्क्रीन पर वो बटन मिल जाएगा। ओके, उस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं। वो था ऑडी Q7 की और आज का जो वीडियो है वो है ऑडी A6 के लिए। तो इस कार में हम पीछे की प्रॉब्लम जो भी इसमें रियर सस्पेंशन में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बेसिकली होता क्या है, इसमें है एयर स्प्रिंग। तो इसकी जो एयर स्प्रिंग है यानी कि इसमें जो एयर बलून है उस पार्ट में ही मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब भी ये कार ये उठी रहती है ऊपर की साइड, इसमें कोई वैसे स्प्रिंग नहीं होती। नॉर्मली जो कॉइल स्प्रिंग आजकल सस्पेंशन में आती है वो नॉर्मल वाला सस्पेंशन कार में नहीं होता है, इसमें एयर सस्पेंशन होता है। तो इसमें जो एयर सस्पेंशन होता है वो एक एयर बलून होता है, उस बलून में जो एयर स्टोर होती है उसी के ऊपर पूरी कार का वजन होता है, वही पूरी कार की बॉडी को ऊपर उठा के रखता है। तो बेसिकली एयर सस्पेंशन जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और काफ़ी कंफर्टेबल होता है, आरामदायक होता है। तो एयर सस्पेंशन में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है एयर बलून की। इस प्रॉब्लम को हम चेक करने वाले हैं किस किस तरीके से, कहाँ से वो आपको पार्ट रिप्लेस करना होता है, किस क्या क्या पार्ट आपको उसको चेंज करने के लिए खोलना होता है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको शो करेंगे। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट, जो कि है ऑडी A6 रियर सस्पेंशन की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो ये कार है ऑडी A6 और आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं इस कार का रियर एयर सस्पेंशन एयर स्प्रिंग रिप्लेस। तो बेसिकली इस कार में जो प्रॉब्लम थी वो थी लगभग जैसी दो ये कार 2-3 घंटे के लिए खड़ी रहती है पार्किंग में, तो उसके बाद ये कार बिल्कुल एक तरीके से लोअर कंडीशन पे आ जाती है, यानी कि इसकी जो स्प्रिंग है इसमें से जो एयर है वो लीकेज हो जाती है। क्योंकि बेसिकली स्प्रिंग एयर सस्पेंशन में जो स्प्रिंग आती है, एक कॉइल स्प्रिंग आती है, एक लीफ स्प्रिंग आती है और एक एयर स्प्रिंग आती है। तो ये एयर स्प्रिंग है जो कि एक तरीके से इसके अंदर एक बलून होता है, उसमें एक एयर स्टोर होता है, एयर स्टोर के साथ ही ये एयर सस्पेंशन काम करता है। तो यहाँ पर अभी हम रिप्लेस करने वाले हैं इसमें एयर स्प्रिंग। तो अभी हमने इस पुरानी स्प्रिंग को खोल दिया, तो इस जगह से आपको इसका जो एयर पाइप है उसको खोलना होता है। ये इसका सेंटर पॉइंट है और नीचे की साइड इसका ये लॉक है। ओके, तो ये है इसका एयर प्रेशर पाइप जो कि ये एक एयर स्प्रिंग में कसा जाता है, यानी कि इस जगह पर। और ये है इसका न्यू एयर सस्पेंशन बलून। ओके, तो अभी हम इस पार्ट को रिप्लेस करेंगे कम्प्लीटली इस कार के अंदर। तो ये इस जगह पर फिटिंग होता है, इसकी वो इस जगह पर फिटिंग होता है। तो अभी हम फिटिंग करेंगे इस जगह पर इसके एयर स्प्रिंग को। और जो सेकंड यानी कि राइट साइड का जो एयर स्प्रिंग है वो इस जगह पर फिटिंग है, ये इस जगह पर इसका ये पाइप, और यहाँ पर ये नीचे की साइड इसके कुछ लोग। ओके, तो ये इस तरीके से है यहाँ पर फिटिंग। तो अभी हम दोनों साइड की एयर स्प्रिंग इसमें रिप्लेस करने वाले हैं, यानी कि इसका राइट साइड का स्प्रिंग और इसका लेफ्ट साइड का स्प्रिंग। तो ये कार है ऑडी 2.0 TDI A6। तो ये साइड इसका न्यू स्प्रिंग और ओल्ड स्प्रिंग। तो करते हैं इसको रिप्लेस। तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपको बेसिकली कुछ ज़्यादा कुछ नहीं खोलना होता, ओनली एक ये एयर पाइप खोलना होता है। सेकंड आपको इस साइड से ये कुछ बोल्ट खोल करके इसका ये शॉक एब्जॉर्बर है, यानी कि इसका ये शॉकर है, इसको साइड से अलग करना होता है। और एक जैक की हेल्प से आप इसको नीचे प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद ही आप इजीली इसकी स्प्रिंग को फिटिंग कर सकते हैं। तो ये होता है इसके नीचे की साइड में ग्लॉक जो कि आपको इस जगह पर फिटिंग करना होता है। तो करते हैं इसको फिटिंग। तो यहाँ पर अभी हमने जो इसका एयर स्प्रिंग था उसको फिटिंग कर दिया है। तो सबसे पहले ऊपर हमने यहाँ पर लगाया हुआ था इसका एयर स्प्रिंग पाइप जो कि इस जगह पर फिटिंग है। ओके, और ये जो सेंटर पिन है ये इसके चेस्ट के ऊपर आ जाएगी, फिटिंग होगी जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे। और नीचे की साइड यहाँ पर हमने इसका जो लॉक था इसको इस तरीके से फिक्स कर दिया है। ओके, और अभी दूसरी साइड का खोल रहे हैं इसका शॉक एब्जॉर्बर। तो हमने अभी इसका दूसरी साइड का जो टायर है उसको खोला हुआ है। तो सबसे पहले ऊपर का हम ये एयर पाइप को खोलेंगे और इसकी एयर स्प्रिंग को निकालेंगे, और यहाँ से हम निकालेंगे इसका इस लॉक को, और इस साइड आपको खोलना होता है शॉक एब्जॉर्बर के बोल्ट को। इसको बोल्ट को खोल करके अब आप आराम से इसकी जो स्प्रिंग है इसको निकाल सकते हैं। इसके
इसके पाइप को खोल करके इजीली आप इसके पुराने स्प्रिंग को बाहर निकाल सकते हैं इस तरीके से, और इस जगह पर न्यू स्प्रिंग को फिटिंग कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से है इसका लॉक। तो ये इस तरीके से आप इसके एयर स्प्रिंग को निकाल सकते हैं इसके डस्ट कैप को हटा करके। तो यहाँ पर आप इस तरीके से एक पाइप को लगा करके छोड़ दो। तो इस तरीके से अभी हमने इसकी जो एयर स्प्रिंग है इसको हटा दिया और इस जगह पर क्लीनिंग करके इस पर न्यू एयर स्प्रिंग को फिटिंग करेंगे। तो ये थी इसकी पुरानी ओल्ड स्प्रिंग और यह है इसकी न्यू एयर स्प्रिंग। अभी हम इसको फिटिंग करने वाले हैं इस लोकेशन पर। कर फिटिंग, कर दबा दो। तो इस तरीके से आपको साइड से फिटिंग करनी होती है, उसके बाद आपको ये डस्ट कैप लगाना होगा इस जगह पर। और इस डस्ट कैप को लगाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर इसमें जो पाइप है इस पाइप को फिटिंग करना होता है। तो अभी इस जगह पर अभी हमने इसका जो एयर स्प्रिंग थे इसको फिटिंग कर दिया है। ये आप देख सकते हैं इसका जो पाइप था उसको फिटिंग कर दिया है और ऊपर की तरफ सेंटर पिन ऑटोमेटिकली जब कार स्टार्ट होगी ये फिटिंग हो जाएगा। और नीचे की साइड यहाँ पर जो उसका लॉक था इसको इसकी लोकेशन पे भी फिटिंग कर दिया है। ओके, तो अब करते हैं एक बार कार को स्टार्ट और व्हील लगा करके चेक करेंगे स्टार्ट करने के बाद जो कार है ऑटोमेटिकली ऊपर उठ रही है या नहीं। तो अभी हमने इंजन को स्टार्ट कर दिया है और एक बार चेक करते हैं। ये देखिए अभी हमने व्हील लगा दिया है। तो धीरे धीरे आप गौर से देखेंगे तो कार जो है रेस हो रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है। आप देखिए स्लोली स्लोली जो कार है, कार की जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ उठ रही है। ओके, तो जो एयर स्प्रिंग है एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेगा कहीं से भी एयर लीकेज होगी तो वो उठेगी नहीं। बिल्कुल स्लोली स्लोली ये देखिए धीरे धीरे ऊपर जा रही है। और यही सिचुएशन अभी हम इसके लेफ्ट साइड भी चेक करेंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें ओनली रियर स्प्रिंग ही डाले हुए हैं, क्योंकि फ्रंट स्प्रिंग में एयर सिक्स में बहुत ही कम प्रॉब्लम आती है। सबसे ज़्यादा ये मोस्टली प्रॉब्लम आती है वो रियर स्प्रिंग में आती है, ये मैं आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। और यहाँ पर अभी देखिए व्हीकल जो है धीरे धीरे रेज हो रहा है। ओके, और देखते हैं अब इसके लेफ्ट साइड भी, तो लेफ्ट साइड में कैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये भी चेक करेंगे। तो ये देखिए लेफ्ट साइड में आप उस एरिया से थोड़ा सा अगर आप कंफर्म थोड़ा कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा कम उठी हुई है, क्योंकि इसके टायर के नीचे थोड़ा सा हमने जो एक ईट है वो लगी हुई है इसकी वजह से। ओके, क्योंकि अब मैं आपको एक बार थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ किस तरीके से आपको खोलना होता है। ये इसके सॉकर के बोल्ट होते हैं, इस जगह पर इसके एयर स्प्रिंग के लॉक होते हैं, और ऊपर की साइड जो मैंने आपको वीडियो में शो किया था वो था पाइप। तो ये इसका मेन लॉक है, यहाँ पर ऊपर की साइड इसका पाइप है, इस पाइप को खोलना होता है, नीचे से लॉक और एक सॉकर का बोल्ट। तो ये तीन चीज़ें आपको हटानी होती है जिसकी वजह से आप इसकी एयर स्प्रिंग को हटा सकते हैं। ये लॉक हो गया, ये सॉकर का बोल्ट और ऊपर की साइड जो एयर स्प्रिंग का पाइप है वो। तो ये टोटल तीन पार्ट और प्लस आपको व्हील हटाना होता है, उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा पार्ट। इस कार में जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से पूरी डिटेल में शो कर दी है, किस तरीके से जो प्रॉब्लम थी इसके एयर सस्पेंशन बलून में वो हमने रिप्लेस किए हुए हैं। बेसिकली इस कार में मोस्टली जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो किसी पाइप में नहीं आती है, ना ही कोई फिल्टर में आती है, ना ही ज़्यादातर इसके कंप्रेसर में आती है। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है ऑडी A6 के अंदर वो रियर सस्पेंशन में ओनली बलून के अंदर आती है, यानी कि जो हमने इसके एयर स्प्रिंग जो चेंज किए हैं उनको हम एक तरीके से बलून भी बोल सकते हैं या आप उसको एयर स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। तो टेक्निकल लैंग्वेज में उसको एयर स्प्रिंग बोलते हैं, लेकिन हम उसे मार्केट में आफ्टर मार्केट जाता है उसको एयर सस्पेंशन का बलून भी बोलते हैं। ओके, तो जो हमने इस पार्ट को हमने रिप्लेस किया है सेम वही पार्ट की ही प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर मोस्टली सभी कारों के अंदर, जितनी भी एयर सस्पेंशन कार होती हैं सबके अंदर एयर स्प्रिंग यानी कि एयर बलून की ही प्रॉब्लम आती है। और ये बलून होता क्या, बेसिकली इसके अंदर एक छोटा सा पंचर हो जाता है जिसकी वजह से रबड़ होती है, एक रबड़ जब सूख जाती है तो पंचर हो जाता है, पंचर होने की वजह से वहाँ से एयर जो है लीकेज होने लगती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है जब भी कार आप स्टार्ट करते हैं तो वो सारी के एयर जो है वो धीरे 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 वहाँ से निकलने लगती है, लीकेज होने लगती है पंचर होने की वजह से। तो इस वजह से जो कार है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। जब भी ये इस तरीके की सिचुएशन अगर हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि ये एयर स्प्रिंग की प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को आज हमने इस वीडियो में शो किया था किस तरीके से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, और कोई ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं है इसको रिप्लेस करने का। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मनीष का टेक्नोलॉजी।